नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खुजा निवासी सूरत सिंह बंजारा को अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना महंगा पड़ गया। मंगलवार जनसुनवाई में आए सूरत सिंह बंजारा ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए पुलिस और प्रशासन से बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन आवेदक सूरत सिंह को सुरक्षा दिलाकर आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेगा या आवेदक का आवेदन कागज की गठरी में बंद करके रह जाएगा। शहरों वाले बस में से मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गए नागौर की ओर जंगल में। 12 बजे से खींच के ले गए थे तो वहाँ आग जला ली उन लोगों ने और शरीयत दबा दी मुझे जलाने के चक्कर में। तो वहाँ पर कोई लोगों ने देख लिया मुझे तो मेरे गांव पर फोन लगा दिया। तो वहाँ से मेरा भाई और मेरा भतीजा वो पुलिस लेके उस शहरों गाँव पहुँच गए। उन लोगों ने जाके पुलिस ने मेरी कार्रवाई करके जो कि रात्रि के 1 बजे मुझे जंगल में से पुलिस ने लाया। जब मुझे पुलिस ने घर पे भिजवाया अब वे लोग मुझे मारने फिर रहे हैं। थाने में सुनवाई नहीं मेरी, थाने में मुझे बंद कर लिया था, धमकी दी उन लोगों ने। चोरी हो गई, उन लोगों ने चोरी भी कर ले गए, डकैती करी मेरी। 1 किलो 200 ग्राम चांदी का पूरा जेवर, 1 सोने का मंगलसूत्र, 1 सोने का जो नाक का कांटा वे लोग छीन ले गए। जबरदस्ती दिन में आके बड़े इस बच्चे को और बच्ची को चुड़ा कर ले जा रहे थे। कौन लोग हैं ये? ये लोग हैं शहरों के अपने रिश्तेदार हैं। ये भाई की मार पीट करके इसको भगा दी, इसको ले जाने नहीं चाहते वो। इसका मैंने 125 का दावा लगाया पालन पोषण बार, इसलिए वे मुझे मानने घर गए। गुना से ब्यूरो रिपोर्ट।